नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में अपराध कितने चरम पर है इससे पूरा देश वाकिफ है। आए दिन कई ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जिनमें महिलाओं, गरीबों और युवाओं के साथ मारपीट और उनका शोषण किया जाता है। ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग छात्रों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो सिलीगुड़ी में बिहार से परीक्षा देने आए युवकों से मारपीट और उनके साथ दुर्व्यवहार करता दिख रहा है। आपको पूरा मामला बताएं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। लाइट नहीं, लाइट लाइट उठो 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 भाई उठो। तो बुझो ना, बांग्ला बुझो ना, बिहार साइड से। बिहार साइड से बांग्ला बुझो ना, बांग्ला बोलते पारो ना, की करते এসছো? अरे हम लोग पहले पुलिस वहां शिफ्ट रहते थे तो यहीं पे आ गए। की करते এসছো? किस क्या मतलब क्या काम में? अच्छा, काम का फिजिकल देने आया थे। फिजिकल क्यों देने आये हो? क्या क्यों फिजिकल देने अपना क्यों देने आये हो? दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है। तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया। सिलीगुड़ी सेंटर पर तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारा पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो, चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, आई बी हम लोग पुलिस है। नाना रहे, कोई भी रहे, डॉक्यूमेंट निकालो। दारा 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 निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो, डॉक्यूमेंट निकाल पहले देखना है। डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा पहले बोल। अरे भालो करे बोल, अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक करे बोल। कौन सा बैग है तेरा? डॉक्यूमेंट निकाल चले भैया। परेशान तो बड़े हम। एक बात सुनो, अब तुम लोग का जाना पड़ेगा हवालात में। डॉक्यूमेंट निकाल कौन सा बैग है তোমরা একটু দেখো তো ডকুমেন্ট, তোমাদের তোমাদের ব্যাগ তো চেনো, বাকিগুলো দেখো, ডকুমেন্ট দেখো। এই ডকুমেন্ট নিকাল না। डॉक्यूमेंट क्यों करते हो? अरे फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी चाचा तो चाचा बाबा, चाचा बाबा फिर तुमसे नहीं आएंगे। बोल दिया ना, कान पकड़। हाँ नहीं आएंगे। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़। फेक कैंडिडेट कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, दानापुर वेस्ट बंगाल से। कुछ नहीं फाड़ेंगे, बोले ना, तुम्हारा करियर नहीं खत्म करना है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट पहले देखना है। फिर तुमको बता रहे डॉक्यूमेंट निकाल पहले देखना है। अब फाड़ेंगे नहीं बोले? नहीं फाड़ेंगे ना, देखा। तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। ओए तू डॉक्यूमेंट देखा ना, तो डॉक्यूमेंट देखा देखिए। हम चले कसम, पापा कसम बता रहे हैं, भैया चले जाए। आपको बता दें कि ये वीडियो जो आपने देखा
बंगाल के सिलीगुड़ी का है, जहां बिहार के छात्रों से मारपीट की गई। वही वीडियो सामने आने के बाद सिलीगुड़ी पुलिस ने इस मामले में रजत भट्टाचार्य नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। वह बंगला पाखो नामक संगठन से जुड़ा है। यह संगठन बंगाली भाषा की वकालत करने के लिए जाना जाता है। आरोपी रजत भट्टाचार्य ने कहा है कि बिहार और यूपी से नकली प्रमाण पत्र लेकर बिहार के युवक SSC परीक्षा के लिए आ रहे हैं और हमारे युवकों की नौकरियां छीन रहे हैं। हम बांग्ला पाखो संगठन से हैं और हमें बताया गया था कि उनके पास नकली प्रमाण पत्र हैं, इसलिए हमें उन्हें पकड़ने के लिए वहां गए थे। लेकिन कुछ अन्य व्यक्ति SSB से जुड़े हुए थे, जिन्होंने उन्हें बचा लिया और विभाग गए। वहीं बिहार के युवकों से मारपीट के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कार्पेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चे के साथ मारपीट, क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं? क्या ममता सरकार ने सिर्फ बलात्कारियों को बचाने का ठेका ले रखा है? देखा जाए तो बंगाल में ये कोई पहली बार नहीं है जब वहां ऐसा मामला सामने आया हो। बंगाल में मारपीट गुंडाराज आम बात हो गई है और ममता सरकार सब कुछ देखते हुए भी मौन है। हाल ही में कोलकाता कांड इस चुप्पी का प्रमाण है। खैर, इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।